मुस्लिम लीग का, आपको पता है कि मुस्लिम लीग एक वो पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म था जिससे मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पॉलिटिकल राइट्स की जितनी भी एफर्ट है, जितनी स्ट्रगल है और जितनी डिमांड्स हैं अपनी, वो इसके प्लेटफॉर्म से रखी। इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले अलीगढ़ मूवमेंट में आपको बताया कि जो मुसलमान थे ये चाहते थे कि हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, लेकिन सर सैयद ने इनको मना कर दिया, इनको कहा कि आप अवॉइड करें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि आप पॉलिटिकली उतने मैच्योर नहीं हैं जितने के हिंदू या हिंदू की आदत है, तो आप सबसे पहले अपने आप को एजुकेशनली आप यानी अपलिफ्ट करें, अपनी इस सारी चीज़ों को एजुकेशनली अवेयर करें, रिसेंट नॉलेज की जो गेन करें, रिसेंट नॉलेज है रिसर्च की, नई नई किताबें लेके आएँ उनको पढ़ें। उसके लिए उन्होंने, मैंने आपको पूरी अलीगढ़ मूवमेंट भी पढ़ाई कि मुरादाबाद में, गाजीपुर में डिफरेंट मदरसे बनाए, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, ठीक है, करते करते हम यहाँ तक पहुँचे कि 1885 में ए ओ ह्यूम और लॉर्ड बर्न ने एक जमात की, यानी एक सियासी जमात की, एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी 1885 में सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ऐसे ही है, पिछले दो दिन के लेक्चर में हमने ये किया, और उसके अंदर हमने देखा कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को 1885 में बनाया गया, और वो जमात क्लेम करती थी, वो पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती थी कि हम बरसगीर के अंदर मौजूद सारी कौमों के राइट्स के लिए काम करेंगे, उनके पॉलिटिकल राइट या जितने भी सोशल राइट्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और गवर्नमेंट से अपने राइट्स डिमांड करेंगे और लेंगे, ठीक है। लेकिन टाइम ने ये प्रूव कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को ये बात रियलाइज़ हो गई कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो क्लेम तो कर रही है कि हम पूरे इंडिया के कौमों की जमात है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली वो किसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में लगे होते थे और किसके इंटरेस्ट पे इस बात कर रहे थे? हिंदुओं की, ठीक है। कैसे हमें, सबसे पहले हमने देखा कि जब उर्दू हिंदी डिस्प्यूट हुआ, जिसको हम उर्दू में उर्दू हिंदी तनाज़ा कहते हैं, कि वो लोग चाह रहे थे कि जैसे आपको पता मुगलों के दौर में फारसी जुबान जो थी वो सरकारी जुबान का दर्जा उसको हासिल था, लेकिन बाद में जब गोरा काबिज हुआ यहाँ पे 1857 के बाद, तो हिंदुओं ने कोशिश की कि हिंदी को रिप्लेस कर दिया जाए फारसी की जगह और देवनागरी रस्मुल खत जो है उसको राइट कराया जाए। इसके लिए भी सर सैयद ने काफ़ी एफर्ट्स की, उर्दू डिफेंस सोसाइटी भी बनाई गई इसके लिए। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी और जो थी वो सोसाइटीज़ बनाई, जैसे हमने देखा था मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी एक प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ से भी मुसलमान जो थे वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थे वो वहाँ से जो थे वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, प्लानिंग करते हैं और जो भी अपनी चीज़ें थी वहाँ डिसाइड कर रहे थे उसके प्लेटफॉर्म से। लेकिन कब इस बात की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की गई कि अब हमें अपनी सियासी जमात की ज़रूरत है, जो खास और ख़ास सिर्फ मुसलमानों की ही बात करे, इनके सोशल, इनके इकोनॉमिक, इनके पॉलिटिकल राइट्स को जो है वो इसके ऊपर बात करे, डिमांड करे गवर्नमेंट से, ठीक है। आपको पता है उस वक्त गवर्नमेंट में कौन थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जी हमारे यहाँ। तो हमने देखा कि 1905 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसने मुसलमानों को ये बावर करा दिया कि नहीं, अब हमें अपना प्लेटफॉर्म भी चाहिए और अब हमने अपने लिए खुद बात करनी है, अपने अलग से एक मुस्लिम एक यही पॉलिटिकल पार्टी हमें चाहिए। तो 1905 में क्या हुआ जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई। बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था और गोरे ने उस वक्त लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने क्या किया जी कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। वजह क्या थी, अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे मेरा सवाल है कि क्या वजह थी क्यों डिवाइड किया गया बंगाल को? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थी कि इतना बड़ा सूबा था कि पूरे टाइम के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर पूरे बंगाल को विजिट भी ना कर पाता जो लॉर्ड होता या जो भी गवर्नर वहाँ पे लगाया जाता, बारिशें आ जाती, सैलाब आ जाते, तो वो पूरे उस तरह से उसको वो डिवाइड करना चाह रहे थे छोटे यूनिट्स में, कि उसकी जो गवर्नेंस है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं उनको पूरी तरह से उस पर नज़र रखी जाए और ठीक तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले पूरे बंगाल के अंदर हिंदुओं की ज़्यादातारी थी, बड़े बड़े अहदों पर, बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन पर हिंदू बैठे थे। अब जैसे जब मशरकी और मगरबी बंगाल में जो है वो डिवीज़न हुई, तो जितना ईस्टर्न पोर्शन था उसमें मुसलमान जो थे वो उनकी मेजॉरिटी थी, ठीक है, और मुसलमानों ने फिर प्रेस भी खुद संभाल ली, जुडिशरी में भी मुसलमान खुद बैठे। मुसलमानों की जब आहिस्ता आहिस्ता सोशल इकोनॉमिक लाइफ अपलिफ्ट होने लगी, तो हिंदुओं ने इसके खिलाफ आवाज़ जो है वो उठाना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि बंगाल की जो तकसीम है इसको नल वॉइड करा दिया जाए, इसको मनसूख किया जाए। यही ये मेजर रीज़न बनी मुस्लिम लीग बनाने की। तो मुसलमानों को रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो भी अच्छी चीज़ होती है, अगर हमारी इकोनॉमिक या सोशल लाइफ से अपलिफ्ट हो रही है,
तो आप देखेंगे यहाँ पे हिंदुओं को फौरन से उन्होंने इस बात को लेकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है और हर तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी कि किसी तरह बंगाल को दोबारा से मर्ज कर दिया जाए और इसकी जो पार्टीशन है उसको मनसूख कर दिया जाए। फिर इन्होंने मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना अजलास में जो कि 1905 में हुआ उसमें ये डिसाइड किया, बड़े बड़े अफसर आगा खान थे, नवाब मोहसिनुल मुल्क, सब लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि अब हम अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म हमें चाहिए, एक जमात हमें चाहिए जिसके थ्रू, जिस चैनल के थ्रू हम अपनी जो है वो राइट्स को डिमांड कर सकें, हम बात कर सकें अपने बिहाफ पे, अपने लिए बात कर सकें मुसलमानों के सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर किस्म के राइट के लिए। ठीक है, इन्होंने फिर शिमला के मुकाम पे, जिसको हम इंग्लिश में शिमला डेप्यूटेशन कहते हैं या शिमला वफ्द कहते हैं उर्दू में, शिमला के मुकाम पे जाके वाइसराय लॉर्ड मंटो से मिले और अपने जो इन्होंने पूरा एक एजेंडा तैयार किया था वो वहाँ पर रखा उनके सामने कि ये हमारे मिसाइल हैं, हमें अपना एक पोलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए। उन्होंने इनको इनकरेज थोड़ा सा किया और कहा जी कि पॉजिटिव रिप्लाई किया। तो फिर खैर ये आए 1906 में मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास में 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और सर आगा खान को इसका पहला सदर मुकर्रर किया और इसकी एक ब्रांच बनाई इन्होंने लंदन में, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कम्युनिकेशन के गैप को तो यानी गैप ना हो, कम्युनिकेशन स्मूथ रह सके और कोऑर्डिनेशन अच्छी रहे, इसीलिए लंदन में भी एक ब्रांच बनाई और उसका हेड बनाया गया सैयद अमीर अली को। और अगर मुस्लिम लीग की बात की जाए कि मुस्लिम लीग को बनाने की मेजर जो हम यानी आपकी सेकेंड ईयर की सीरीज की बुक के अंदर भी जो इसके लिखी है कि क्या चीज़ें थी, क्या मकासद थे जिसको अचीव करना था, कि मुसलमानों के सियासी, समाजी और माशी हकूक का तहफ़ करना था और जो दूसरी कौमें वहाँ पर मौजूद थी उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना था और जो माइनॉरिटीज़ जो क्लियर थी उनके हकूक के लिए भी आवाज़ उठानी थी। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना था, उन्हें ये बताना था जी कि हम आपके लॉयल हैं, हम आपकी अवाम हैं, आप हमारी गवर्नमेंट हैं, अगर कोई पॉलिसी बनती है तो हम उसको मानेंगे, मुफाहमत की फिजा पैदा करना चाह रहे थे। ठीक है, ये इसका बेसिक वो था। और इसके अलावा जो मेजर डिमांड थी हमने इसमें रखी वो ये थी कि हमें अपने सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है वो राइट दिया जाए, जिसको उर्दू में कहूँ तो जुदागाना इंतखाब चाहिए, हमें अपना हमारी सीटें मुकर्रर करते हैं, हमारी नशिस्तें का कोटा मुकर्रर करते हैं कि इतनी सीटें मुसलमानों की हैं, उस पर मुसलमान बाबला मुसलमान होगा और फिर जो है वो मुसलमान आके अपने लिए बैठ के काउंसिलों में वहाँ एटलीस्ट अपने लिए पॉलिसी मेकिंग या अपने लिए राय का इजहार तो कर सकेगा ना मुसलमान के, हाँ जी हमारे ये मिसाइल हैं, तो अपने लोकल मिसाइल को मुसलमान ही समझता है, एक हिंदू एक उस वक्त की मुस्लिम कम्युनिटी का मिसाइल नहीं समझ सकता था, ना ही उस तरह से वो उसको आगे जाके एक्सप्लेन करता कि मुस्लिम कम्युनिटी के ये मसाइल हैं। ठीक है, इसीलिए ये डिमांड्स रखी गई। और हमने इस जो सबसे पहली कामयाबी हमने देखी मुस्लिम लीग की वो ये थी कि 1909 में जब मंटो मॉडल रिफॉर्म्स आई तो पहली बार मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मिल गया। ये इनकी सबसे बड़ी जो थी वो कामयाबी थी। ये था आज का कल के लेक्चर का रीकैप जो कि था मुस्लिम लीग पूरा, मैंने आपको मुस्लिम लीग का बेसिक जो ओवरव्यू है वो अभी बता दिया। ठीक है।